जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। आपको जो भी यहाँ से नया सीखने को मिले, आप उसके नोट्स अपने प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगे। वर्टिब्रेट के अंदर नेक्स्ट क्लास जो आती है अपने पास, वो क्या है? एप्स। अब एप दोस्त बेसिकली क्या होते हैं? सिंपली बर्ड्स हैं, है ना। एप्स हमारी क्या है? बर्ड्स। दीज एनिमल्स हैव आउटसाइड कवरिंग ऑफ फीदर एंड टू फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। अब देखिए दोस्त क्या होता है, अब ये जो हमारे एप्स या फिर बर्ड्स हैं, इनकी जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर बॉडी होती है, उसके आउटर में दोस्त क्या होता है? फीदर्स या फिर पंख लगे हुए होते हैं, और जो सामने वाले जो दो पैर होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। किसके लिए दोस्त? उड़ने के लिए, फ्लाइट के लिए, है ना। अब ये दोस्त क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल है। अब यहाँ से याद रखिएगा, ये क्या है दोस्त? हमारे एक्टोथर्म, एक्टोथर्म्स है ना, ये हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, है ना, विद वेरियस फ्लाइट एडेप्टेशन। इनमें काफी उड़ने के लिए एडेप्टेशन हुए रहते हैं बॉडी में, है ना। इनके अंदर दे हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट। अब इनके अंदर जो हार्ट के अंदर चैम्बर होते हैं वो भी कितने हैं? फोर इन नंबर, एंड आर ओवीपेर। और ये क्या है? अंडे देने वाले एग लेइंग एनिमल्स हैं। दे मेनली ब्रेथ थ्रू लंग्स। लंग्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्रीथिंग के लिए इनमें। और दे एक्सक्रिएट सेमी सॉलिड यूरिन हैविंग यूरिक एसिड। अब इनका एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट दोस्त क्या है? अगेन यूरिक एसिड, है ना। दे हैव हाईली डेवलप्ड वॉइस, हियरिंग एंड विजन, एंड स्पेशलाइज सेंसेस फॉर नेस्ट बिल्डिंग एंड केयर फॉर यंग वंस। अब देखिए क्या बता रहे हैं, वॉइस हियरिंग, फिर वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए इनके पास स्पेशल ऑर्गेन्स होते हैं, और विजन के लिए भी, देखने के लिए भी, कलर्स वगैरह को सेंस करने के लिए इनके पास डिफरेंट ऑर्गेन्स होते हैं, और अपने यंग वंस जो हैं, इनके बच्चे वगैरह जो होते हैं, उनकी केयर के लिए इनके पास स्पेशल सेंसेस प्रोवाइड होते हैं, है ना। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऑल बर्ड्स इन दिस कैटेगरी सच एज ऑस्ट्रिच, कॉर्वस, कोलंबा, नीलकंठ, टक, क्रो, इटीसी, जितनी भी बर्ड्स हैं, चिड़िया वगैरह जितनी भी हैं, वो सब एप्स के अंदर आती है हमारी। तो ये अपनी कौन सी? एप्स क्लास थी, वर्टिब्रेटा के अंदर। अब जो नेक्स्ट और लास्ट क्लास आती है अपने वर्टिब्रेटा फाइलम के अंदर, वो दोस्त क्या है? मेमेलिया, है ना। मेमेलिया दोस्त क्या है? वार्म ब्लडेड मोस्ट इवॉल्व एनिमल ऑफ एनिमल किंगडम। अब दोस्त ये क्या है? ये एनिमल किंगडम के सबसे ज्यादा इवॉल्व हुए वाले ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनकी बॉडी में जो है रिसेंट पास्ट से सबसे ज्यादा चेंजेस आए हैं, इन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा इवॉल्व किया है ना। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल विद फोर चैम्बर हार्ट। हार्ट इनका फोर चैम्बर होता है, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन कर लेते हैं, है ना। दे हैव मेमरी ग्लैंड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इसीलिए ये दोस्त क्या है, ये इनकी पेकुलरिटीज है, इसीलिए इन्हें मेमेलिया में डाला गया है, मतलब इनकी जो बॉडी होती है उनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, जो दोस्त क्या प्रोड्यूस करते हैं? मिल्क, जैसे ही अपने यंग वंस होते हैं उन्हें नरिश कर सकते हैं, है ना। फिर स्किन हैज हेयर्स एज वेल एज स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड। अब ये भी इनकी एक स्पेशल पेकुलरिटीज है कि इनकी आउटर जो स्किन होती है उसके बाहर दोस्त क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं और स्वीट ग्लैंड वगैरह होते हैं। दे आर मोस्टली विवीपेरस। अब मोस्टली दोस्त कैसे हैं? विवीपेरस मतलब बच्चे पैदा करने वाले हैं, बच्चे देते हैं ये, और एक्सेप्शन भी है इनके अंदर, जिसमें दोस्त कहते हैं एकेंडिना और प्लेटिपस। ये दो ऐसी मैमल्स हैं जो क्या है? एग लेइंग है। ये ओवीपेरस हैं, ये विवीपेरस नहीं है, जबकि मोस्टली मैमल्स हमारी क्या होती हैं? विवीपेरस। अब बॉडी इनकी जो डिवाइड होती है वो हेयर, नेक, ट्रंक, टेल में, और आईलेट्स मतलब पलक भी इनके, इनकी आई के ऊपर जो है आईलेट्स प्रेजेंट होती हैं। अब दोस्त इसके बाद क्या है? टीथ्स आर थियोकोडेंट, मतलब दोस्त ये जो इनके टीथ्स होते हैं वो क्या है? सॉलिड जॉस के अंदर इनक्लोज हुए रहते हैं, पैक्ड हुए रहते हैं, वो फ्रीली नहीं होते हैं ना, हार्ड बोन्स के अंदर वो इनक्लोज हुए रहते हैं, एंड दे आर हेट्रोडेंट। अब मतलब जो टीथ हैं इनके अंदर वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होते हैं ना। मस्कुलर डायग्राम सेपरेट्स थोरेक्स एंड एब्डोमिनल कैविटी। अब जो इनके अंदर जो थोरेक्स और एब्डोमिन है ना, इसके बीच में क्या है? एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है, डायफ्राम जो इनके सेपरेट करता है थोरेक्स और एब्डोमिनल कैविटीज को। रेस्पायरेशन इज थ्रू लंग्स ओनली, लंग से ही रेस्पायरेशन इनमें होता है ना। और एक्सक्रिएट यूरिया एस यूरिकोटेलिक एनिमल्स, है ना। ये इनका जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है दोस्त वो क्या है? यूरिया। इसलिए दोस्त हम क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक एनिमल। जो ऑर्गेनिज्म यूरिया ऐसे एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट सीग्रेट करते हैं उन्हें दोस्त हम क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक। तो इसमें कौन आते हैं दोस्त? हमारे मैमेलिया। फिर मैमल्स में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके अंदर आते हैं? हमारे यूरियोटेलिक एनिमल्स के अंदर। फर्टिलाइजेशन दोस्त इनमें भी इंटरनल होता है, और हाईली डेवलप्ड पेरेंटल केयर इज ऑब्जर्व, मतलब पेरेंटल केयर मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने बच्चों की, अपने यंग वंस की बहुत अच्छी तरीके से केयर करते हैं ना। दे लिव इन ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट बट आर प्राइमरी टेरिस्ट्रियल
लैंड एनिमल्स है ना, सब तरीके की जैसे पानी, धरती है ना, और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी ये रह लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रेफर करते हैं ये क्या है, टेरिस्ट्रियल लैंड हैबिटेट्स को ये प्रेफर करते हैं। अब दोस्त एग्जाम्पल्स की बात करें मैमलिया या मैमल्स के, तो दोस्त कंगारू, म्यूल, टेरोपस, कैट, लॉयन सी, पैंथ्रा, मंकी, कैमेलस, ह्यूमंस, ईटीसी है ना, ये दोस्त क्या है, सब जितने भी मैमल्स हैं जो क्या है अपने बेबीज को मिल्क फीड करा रहे हैं, मिल्क से फीड करा रहे हैं, वो दोस्त किस में आते हैं, मैमेलिया में है ना। याद रखिएगा हम भी जो है किसके अंदर आते हैं, ह्यूमंस भी किसके अंदर आते हैं, मैमल्स के अंदर ही आते हैं। तो ये क्या है दोस्त, ये मैमेलिया के अंदर आने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं। तो इसी के साथ दोस्त हमने क्या है, वर्टिब्रेटा जो फाइलम है उसके अंदर आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टेलिया, मैमेलिया और एप्स, इनको कवर किया। इसी के साथ दोस्त हमने अपने इस चैप्टर को जो है इन डिटेल और क्विक फैशन में जो है कवर किया है। अगर दोस्त कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपका आंसर दिया जाएगा, है ना। तो दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपने जो है नोट्स अपने बनाए होंगे और आपको यहाँ से नया कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर दोस्त आपने नोट्स नहीं बनाए तो व्हाट्सएप के लिंक को आप ज्वाइन करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसके नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिए जाएंगे, है ना। तो चलिए जब तक के लिए आप पढ़ाई और रिविजन करते रहिए दोस्त, क्योंकि ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटिशन वगैरह में यहाँ से काफी सवाल आते हैं, है ना, इसमें याद करने को काफी है। तो रिविजन अपना करते रहिए, रिविजन के बिना बायोलॉजी में दोस्त कुछ नहीं है ना। तो आप रिविजन करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्त कि आपको यहाँ से नया सीखने को मिल रहा है ना, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई और रिवीजन अपने दोनों ही करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।